यार फोटो तो बहुत बढ़िया आ रही है, लगता है मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन ही जाऊंगा एक ना एक दिन। और नितिन क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, फोटो खींचा थोड़ा, मैं देखना कितनी गजब आई है। एक दिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाएगा तुम्हारा भाई भी। अबे तेरे भाई के पास इतनी बढ़िया ट्रिक है कि इससे बढ़िया फोटो आ सकती है? अबे ऐसी कौन सी ट्रिक है जो मुझे नहीं पता है भाई। अबे आ तो ये लाइव डेमो दिखाता हूँ, फोटो खींच के आ जा। चल देख मैं तुझे बताता हूँ, ये डाला मैंने प्रो मोड पे और ये डाला रो पे, और देख कितनी जहर फोटो आएगी। अब ये क्या है ना, लाइट है ना इसमें, कुछ अंधेरा अंधेरा छा हुआ है, बड़े तो मेरी फोटो ये देख। अबे यार यूट्यूब में तो ऐसे देखा था कि रो में ऐसी बढ़िया फोटो आती है। भाई नितिन आकाश क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कहाँ से रो को सीख के आगे मुझे सिखा रहे फोटो खींचना, मेरी फोटो देखना जरा। वो फोटो तो तेरी ज्यादा बढ़िया आ रही है यार। यूट्यूब पे देखा था कि रो फोटो खींचते यार रो से। यार देख रो से फोटो तो बढ़िया आती है मगर उसे बाद में एडिट करना पड़ता है। एक काम करो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ रो के बारे में। आ जाओ। ओके आप लोग यहाँ क्यों रुक गए? चलो आप भी मेरे साथ चलो, आपको ही बताता हूँ। तो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू चैनल वीपी एडिट्स। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रो इमेजेस के बारे में। तो इस वीडियो को मैंने बांट रखा 3 पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट है हमें रो फोटो क्यों क्लिक करनी चाहिए, और दूसरा है रो फोटो किसे क्लिक करनी चाहिए, और तीसरा है रो फोटो कब क्लिक करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम अपने टॉपिक के, पहले टॉपिक के बारे में, तो रो फोटो क्यों क्लिक करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपकी फोटो, आपका जो कैमरा है वो बहुत बढ़िया है मगर जो आपकी फ़ोटो है वो इतनी खास आ नहीं पाती है। तो उसमें क्या होता है, जो आपके फ़ोटो का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हमारे फ़ोन का इंटरनल सॉफ्टवेयर भी यूज़ में आता है, क्योंकि हमारी फ़ोटो पहले कैमरा क्लिक करता है और उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है, फिर वो जेपैग में कंप्रेस कर दिया जाता है। तो इस बीच में जो आपके फ़ोटो में लाइटिंग सेटिंग जो थी वो एकदम लॉक्ड हो जाती है और उसके बाद आप उसके साथ कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो रो फोटो में क्या होता है, जो आपके कैमरे से निकली हुई फ़ोटो होती है वो उसको लॉक नहीं किया जाता और उस कंप्रेस बिना किए एक आपको फाइल दे दी जाती है, जो होती है 30 MB के आसपास की, मतलब जितनी आपके जेपेग इमेज की साइज़ होगी उसके 4 गुना होती है रो इमेज की साइज। तो इसमें क्या होता है, आप अपने कैमरे का जो बेस्ट वर्जन है आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो रो फोटो क्यों क्लिक करनी चाहिए इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपके चाहे फ़ोन हो चाहे DSLR हो, अगर आप उसका बिल्कुल बेस्ट टॉप अपनी टॉप इमेज देखना चाहते हैं कि मतलब वो कितना ही बढ़िया फ़ोटो खींच सकता है, तो उसे देखने के लिए आपको रो पे स्विच होना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके फ़ोन में रो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप कैसे क्लिक करें, या फिर फ़ोन में आपको फ़ीचर अच्छे ना लग रहे हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर आता है लाइट रूम, वैसे तो आप सब चलाते ही होंगे लाइट रूम को, लाइट रूम के अंदर जो कैमरा मोड है वहाँ पे आप रो में फ़ोटो खींच सकते हैं, और वहाँ पे ऑटो में भी खींच सकते हैं और मैनुअली भी खींच सकते हैं। सो फ्रेंड्स बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि रो फोटो कैसे क्लिक करनी चाहिए। तो इसका कोई ज़्यादा मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आप अपनी फ़ोटो को डायरेक्ट पोस्ट करते हो, डायरेक्ट क्लिक करके सिंगल क्लिक करके और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हो, या फिर एक आध प्रीसेट लगा देते हो, मतलब आप अपनी फ़ोटो को ज़्यादा डीप में जाके कलर ग्रेडिंग नहीं करते हो, और आपको मतलब इतना मतलब भी नहीं है क्योंकि आप सोशल मीडिया पर डालने के बाद फ़ोटो ऑटोमेटिक कंप्रेस हो जाती है, तो फिर आप नॉर्मल जेपेग फ़ोटो को भी आप क्लिक करके डाल सकते हो और आपको रो का इतना यूज़ है नहीं। और रो फोटो किसे क्लिक करनी चाहिए, तो रो फोटो उन्हीं को क्लिक करनी चाहिए जिन्हें या तो कलर ग्रेडिंग का पूरा सेंस हो और लाइटिंग का पूरा सेंस हो कि लाइटिंग में शेडो हाईलाइट एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, और लाइटरूम एक्चुअल में लाइटरूम जो ऐप है वो चलाना आता हो या फिर फोटोशॉप चलाना आता हो, क्योंकि इन दोनों सॉफ्टवेयर में ही आप अपनी रो इमेज का यूज़ कर सकते हो एक्चुअल में, वरना पिक्सआर्ट में आप अपनी रो फोटो को इतना ज़्यादा एडिट कर नहीं सकते, फिर आप सोचोगे कि इतनी ज़्यादा MB की फ़ोटो क्लिक करवा के मेरा क्या फ़ायदा हुआ। तो बेसिकली रो फोटो को उन लोगों को क्लिक करनी चाहिए जिन्हें लाइटरूम चलाना आता हो अच्छे से, और उन्हें लाइट के बारे में सेंस हो कि शैडो क्या होता है, हाईलाइट क्या होती है, और वगैरह वगैरह। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 में यह है कि हमें रो फोटो कब क्लिक करनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स वैसे अगर आप नॉर्मली हर टाइम फोटो क्लिक करते रहोगे रो में ही, तो फिर इसमें क्या होता है प्रोसेस में भी टाइम लगता है और फिर आप ऐसा डायरेक्ट पोस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि तो जो रो फोटो होती है जाहिर सी बात है एक अनकम्प्रेस फोटो होती है, तो उसकी जो लाइटिंग होती है वो बिल्कुल ही मतलब हर चीज़ जीरो पे होती है, न्यूट्रल रहती है। तो आप उसे डायरेक्ट देखोगे तो आपको फोटो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगी, जैसा कि आपने स्किट वीडियो में देखा होगा कि वो कह रहा था कि ये तो बहुत ही मतलब फीकी फोटो लग रही है। तो रो फोटो एक्चुअल में ही वैसी आती है, मगर आप उसे एडिट करके बहुत बढ़िया बना सकते हो। मगर मैं अभी भी वही बात कहूँगा कि हम रो फोटो को मतलब एक उस तरीके से देखें कि हम अपने कैमरे का बेस्ट निकाल रहे हैं, ना कि हम फोटो बेस्ट कलर ग्रेडिंग निकाल रहे हैं कैमरे की या फिर बेस्ट लाइटिंग निकाल रहे हैं, नहीं, हम अपने कैमरे का जो सेंसर है उसका जो बेस्ट यूज है ना वो दिखाने के लिए हम रो का यूज़ करते हैं, और कलर ग्रेडिंग तो आपको फिर करनी पड़ेगी रो फोटो में। तो आप रो फोटो को जब क्लिक कर सकते हैं जब आपको पता होगी इस पर्टिकुलर इमेज को मैं कलर ग्रेड करने वाला हूँ, मतलब जैसे मैं नॉर्मली जैसे शूट वूट पे जाता हूँ तो मुझे पता है कि इनमें से चार ये फ़ोटो ऐसी हैं जिन्हें मैं लाइट रूम में डाल के कलर ग्रेड करूँगा, तो वहाँ पे मैं रो फोटो क्लिक करवाता हूँ। दूसरा पॉइंट हो गया जैसे अब कोई कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे लाइटिंग अपोजिट होती है हमारे सोच से, जैसे मान लो आपके पीछे सन है और आपको फ़ोटो चाहिए, तो आप वहाँ पर रो फोटो क्लिक करवा के उसे आप एडिट करोगे बहुत बढ़िया फ़ोटो एडिट हो जाएगी, अगर आप एक अच्छे मतलब एडिटर हो या फिर आपको लाइटिंग का बहुत बढ़िया सेंस है। तो आप अगर सन पीछे है तो वहाँ पर भी आप रो का यूज़ कर सकते हो। और सेकंड थिंग, आप वेडिंग में जैसे दुल्हा दुल्हन होते हैं उनकी जो सेपरेट फ़ोटो क्लिक करते हैं वहाँ पर भी आप रो का यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपने क्लाइंट को अपना बेस्ट दे सको। तो आपने अगर क्लाइंट को अपना बेस्ट दोगे तो जाहिर सी बात है आपको और प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स रो को मतलब इसीलिए पर्टिकुलर जगह पे यूज़ करना चाहिए, बेसिकली एक शब्द में बोला जाए तो आप किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हो तो फिर आपको रो फोटो का यूज़ कर लेना चाहिए, अगर वो आपका पेड वर्क है तो। अगर दोस्ती यारी में जा रहे हो तो क्यों ही रो क्लिक करनी है, मतलब उन्हें कौन सा प्रिंट आउट निकालना है, उन्हें तो इंस्टाग्राम पे बस। समझ रहे हो ना। सो हाँ गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो और किस टॉपिक पे चाहिए आपको, तो फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बाय बाय।